नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां एसएसपी विनीत जायसवाल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर यातायात माह 2022 का शुभारंभ किया। सभागार में मौजूद पुलिसकर्मियों और विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति शपथ दिलाई गई। प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें वाहनों के चेकिंग अभियान और सड़क पर सुरक्षित सफर तय करने के उद्देश्य से लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है। खबर सितारगंज से है, जहां कृष्ण प्रणामी महाराजा अग्रसेन गौशाला परिसर में गौवाष्टमी के पावन पर्व पर महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद ट्रस्ट के अध्यक्ष शीतल सिंघल ने बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौवाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गौ माता की विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्त को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस पावन पर्व पर सुरेश मंगल द्वारा अपने पिता की स्मृति में राधा कृष्ण जी का मंदिर बनवाकर गौशाला को समर्पित किया गया। गौ माता की जो सेवा है वो बहुत सच्ची सेवा है। गौ माता में जो है 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। इस सितारगंज में जो गौशाला परिसर जो है हमारा है, बहुत ही देवतुल्य परिसर है और इसको गोलक धाम के नाम से हम लोग यहाँ पर सभी लोग जानते हैं। और लगभग 4 वर्ष पूर्व जो है, जब इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, तो मात्र जो है 5 गाँव से यहाँ पर इसका जो है गौशाला का निर्माण किया गया था। और आज लगभग 300 गायें यहाँ पर जो है निवास कर रही हैं और उनकी कृपा पूरे शहर पर, पूरे जिले के अंदर अटूट बरस रही है। अगली खबर गदरपुर से है, जहाँ बरी ग्राम में आज हरजीत सिंह के खेत पर SDM जय भारत सिंह और ADM राकेश तिवारी, तहसील प्रशासन सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के साथ खेत का निरीक्षण किया। वहीं ADM जय भारत सिंह ने कहा है कि आज हम लोग बरी राई गांव में हरजीत सिंह के खेत पर पहुंचे और यहां पर 10 मीटर समबाहु त्रिभुज में हमने धान की फसल काटी है, जिसे झाड़कर हमने वजन किया तो इसका वजन 22 किलो निकला है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की उपज होने की उम्मीद है। क्रॉप कटिंग एक तरह का अनुमानित सर्वे है, जिसके हिसाब से निर्धारित होता है कि उस क्षेत्र में पैदावार कितनी है। आज हमने एक निर्धारित जो राजस्व विभाग का आंकड़ा होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसके आधार पर चयन लगाकर उसको पहले चिन्हित किया। उसके बाद उस क्षेत्र में उस हिस्से में उसकी कटान की गई, मौके पर ही उसको झाड़ा गया। तो झाड़ने के बाद जो औसत उपज आई है वो 1 एकड़ में 20 क्विंटल और 24 किलो आई है। लगभग 1 हेक्टेयर में 50.5 क्विंटल होता है। खबर ऋषिकेश से है, जहां नगर निकाय की 100वीं वर्षगांठ पर नगर निगम प्रशासन बेहद धूमधाम के साथ मनाएगा। दरअसल आगामी 9 नवंबर को ऋषिकेश नगर निकाय का शताब्दी वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। इसे ऐतिहासिक अवसर पर यादगार बनाने के लिए निगम प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस अवसर पर निगम प्रशासन तीर्थनगरी को दुल्हन की तरह सजाकर स्कूली बच्चों को मैराथन प्रतियोगिता के साथ खेलकूद भी आयोजित की जाएगी। आज उसी के निमित्त हमने यहाँ पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया हुआ था कि हम सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है कि एक युग हो गया, 100 साल हो रहे हैं, 9 नवंबर को 100 साल निकाय बने हुए पूर्ण हो रहे हैं। और इन 100 सालों में एक युग होता है, उसमें हमको वर्तमान बोर्ड उसके लिए कैसे सहभागिता करे, किस तरह से उसके कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता रहे। तो शहर के सभी गणमान्य जनों को, विद्यालयों से प्रधानाचार्यों को, सचिव, शहर के सभी तमाम उन सभी लोगों को, यहाँ पर व्यापारी गणों को, सामाजिक संस्थाओं को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था। अगली खबर रुड़की से है, जहां खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है, आज बात से लगाया जा सकता है कि दिन दहाड़े हाईवे पर कई बीघा अवैध मिट्टी का भराव किया जा रहा है। नेशनल हाईवे 334 पर खनन माफियाओं का डंका ऐसा बजा कि न तो तहसील प्रशासन को सुनाई दे रहा है और न ही दिखाई।
मामले ने तूल पकड़ा तो जिले की खनन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मिट्टी के भराव की पैमाइश कर कार्रवाई की बात कही है। प्रशासन टीम ने जांच में पाया कि ये भराव अवैध किया गया, जिसकी पैमाइश कर जमीन स्वामी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। हमने संज्ञान आने पर हमने टीम भेजी, आज टीम के द्वारा पूरा पैमाइश कर दिया गया है। जिसके खेत में भराव किया गया, जिसके द्वारा भी भराव किया गया है, उसकी पूरी पैमाइश निकाल कर जितने भी लाख का पेनल्टी होगा उसके द्वारा पेनल्टी नामित की जाएगी। खबर पौड़ी से है, जहां तहसील अंतर्गत आने वाले एक राजस्व क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले की जांच पुलिस को दी गई थी। डीएम पौड़ी के आदेश पर यह मामला पुलिस को हस्तांतरित करते हुए सीओ पौड़ी को जांच अधिकारी नामित किया गया था। वहीं सीओ पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने बताया कि तहसील पौड़ी के एक राजस्व क्षेत्र स्थित एक गाँव में 12 वर्षीय बच्ची से बाजार की एक दुकान पर छेड़छाड़ किया गया था, जहाँ दुकानदार ने बच्ची को अकेला देख करके छेड़छाड़ किया। मामला पुलिस को मिलते ही उन्होंने जांच शुरू कर दी। नाबालिग बालिका के बयान पर ये पूरा मामला जांच की जा रही है, जिसके बाद अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। ये मामला 18/10/2022 को रेवेन्यू क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर जो है 22 तारीख को जो है मुझे इसकी विवेचना दी गई है और मैंने तुरंत इसमें कार्रवाई करके जो है 30/10/2022 को जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां शीतकाल के दौरान गंगोत्री क्षेत्र में इस बार 52 साधु संत साधना करेंगे। पुलिस ने सत्यापन के साथ शीतकाल में साधना करने वाले साधु संतों को भी चिन्हित कर दिया है। चिन्हीकरण और सत्यापन का कार्य गंगोत्री क्षेत्र में पहली बार हो रहा है। शीतकाल के दौरान हर साल शून्य से नीचे तापमान में कई साधु संत गंगोत्री से लेकर के तपोवन तक साधना करते हैं। इस बार भी 52 साधु संत साधना के लिए गंगोत्री कनखू, भोजवासा और तपोवन पहुंचे हैं। इनमें से अधिकांश साधु संत हर साल शीतकाल में साधना करते आए हैं। इस दौरान लगभग 3 माह गंगोत्री क्षेत्र पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। ऐसे में पीने के पानी की व्यवस्था भी बर्फ को पिघलाकर की जाती है, जबकि साधना अवधि के लिए राशन की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। बाद पिछली बार जैसे शिकायत भी आई थी कि कई साधुओं की कुटियों में ताला तोड़ के कुछ सामान चोरी होने की शिकायत थी और कई साधु जो हैं बहुत दुर्गम स्थानों पर चले जाके साधना तप करते रहते हैं, उसका रिकॉर्ड पहले नहीं रहता था। बट इस बार हमने एक व्यवस्था बनाई है कि वहाँ पे फोर्स भी बढ़ाई है और एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, जो शीतकाल प्रवास में जो भी साधु वहाँ रह रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन सबका ब्यौरा विवरण रखा जाएगा उस रजिस्टर में कि वो किस लिए वहाँ आए हैं और कब तक रहेंगे, और टाइम टाइम पे उनकी चेकिंग भी की जाएगी कि किस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं। और ये पूरा हम इस बार पूरे जो 5-6 महीने का शीतकाल रहेगा उसमें ये पूरी कार्रवाई हम पूरी करेंगे। श्रावस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में एक गांव में 20 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती भैंस चराने गांव के बाहर गई थी, उसी दौरान बाइक सवार अज्ञात युवकों ने भैंस चरा रही युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया। लड़की ने जब इस बात का विरोध किया तो युवक ने उसको जमकर मारा पीटा, जिससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़की की हालत को देखते हुए परिजन उसे CHC ले गए, जहां डॉक्टरों ने लड़की को जिला महिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने कहा कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। 31 अक्टूबर को थाना छावनी क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना छावनी पर आकर यह तहरीर दी कि 31 अक्टूबर की शाम 4 से 5 के बीच में जब उनकी 20 वर्षीय बेटी भैंस चराने के लिए गई थी तो उसी समय एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक वहां पर आया, जिससे किसी बात पर उनकी कहासुनी हुई। बाद में उस अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने उनकी लड़की के साथ में गलत कार्य करने की कोशिश करी। उनकी इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, बलात्कार का अभियोग पंजीकृत किया गया है। मौके का मुआयना हम सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया है। खबर सहारनपुर से है, जहां लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट अपार्टमेंट में महिला से दिन दहाड़े लूट की गई थी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। दोनों बदमाशों से लूटा गया सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। एक महिला के साथ
एक छिनैती हुई थी जिसमें महिला का पर्स, मोबाइल और पर्स में रखे 3,000 रुपये और कुछ पर्स में रखा कुछ अन्य सामान इन दो शातिर लुटेरों ने वहाँ से लूट लिया था। उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, मोटरसाइकिल के नंबर को आइडेंटिफाई करते हुए हर जगह वायरलेस पे सूचना दी गई थी। रामपुर मनिहारन पुलिस ने उस सूचना पे कार्य करते हुए इस मोटरसाइकिल को इंटरसेप्ट किया, इन दोनों लुटेरे को पकड़ा और पूछताछ पे पता चला कि इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। इन दोनों लुटेरों का नाम, एक का नाम है राहुल उर्फ पाटिल और दूसरे का दीपक, दोनों रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र में रहने वाले ही हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी है और इसमें कल की लूट की पूरी 100% इसमें रिकवरी हुई है। और जो मोटरसाइकिल जिस पे सवार थे वो भी पता चला कि वो भी इनकी चोरी की गई मोटरसाइकिल थी। गोरखपुर में आज क्षेत्रीय क्रीडांगन में स्वर्गीय कामता प्रसाद राय स्मारक जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल ने फीता काट करके किया। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी ट्रैफिक एमपी सिंह, आईपीएस अधिकारी मानुष पारिक, बीजेपी नेता भानु प्रकाश मिश्रा, पार्षद बबलू प्रसाद के साथ कई गणमान्य उपस्थित रहे। रीजनल स्टेडियम में कमता प्रसाद राय जी के स्मृति में यहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें होनहार खिलाड़ी गोरखपुर के दो टीमों में बंट करके ये खेल रहे हैं और ये वॉलीबॉल गेम कल तक चलेगा, कल समापन होगा। खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने मीडिया कर्मी से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। राशन वितरण जैसे सवालों पर भड़के आपूर्ति अधिकारी ने मीडिया से अभद्रता की है। पत्रकारों को दलाल और चोर जैसे शब्दों से अपमानित किया है। भ्रष्टाचार जैसे कई आरोप लग चुके हैं। पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्रा पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लग चुके हैं जिन्होंने आज पत्रकारों पर अभद्रता की है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज से एआईएमआई पार्टी से विधानसभा प्रत्याशी रहे इरफान मलिक और सपा नगर अध्यक्ष प्रत्याशी ने हाल ही में लखनऊ में बसपा पार्टी में शामिल हो गए। आज डुमरियागंज में प्रथम आगमन पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बसपा नेता इरफान मलिक ने कहा कि बीजेपी पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए बसपा पार्टी में आए हैं। सपा पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पिछले चुनाव में 95% मुसलमानों ने सपा को वोट दिया था लेकिन अखिलेश यादव अब मुसलमानों के साथ काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ग्राम प्रधान की दबंगई और पुलिस की लापरवाही से तंग आकर के मां बेटे ने एसएसपी कार्यालय के बाहर केरोसिन का तेल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। मां बेटे सामूहिक आत्महत्या करते देखते हुए पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मां बेटे को बचाया और एसएसपी सिटी ने मां बेटे को समझा बुझा करके आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पुलिस कार्यालय में गए थे, ये संज्ञान में आया है तो पुलिस कर्मियों ने इनको रोका है और इनको थाने पर ले आया गया है। इनकी शिकायत जो है उसका निराकरण कराया जा रहा है। अभी जो इनके द्वारा जो फैक्ट बताए गए हैं वो लिख करके दे रहे हैं, उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक। मुरादाबाद कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ मौजूद रहे। जय प्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में पेशी पर पहुंचे थे आजम खान। कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय परिसर में दाखिल हुए। साथ ही आजम खान के साथ सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन भी न्यायालय में पेशी के लिए पहुंचे। 2008 के छजलैट केस में भी आज होने हैं आजम खान अब्दुल्ला आजम के बयान। बादा में एनसीसी के छात्र और विद्यालय के छात्रों को लेकर के एक व्यापक पैमाने के साथ जागरूकता अभियान के साथ लोगों को यातायात के लिए जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। सबसे पहले पुलिस विभाग से ट्रैफिक नियमों को लेकर के शुरुआत की गई। अगर पुलिस के कर्मचारियों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।